ये इसका डायल तो अच्छा लग रहा है लेकिन इसके नंबर्स नहीं है। हाँ, और ये है 5500 की, और ये दिखाएं ये कितने की है, ये 14000 की है। हाँ, ये 14000 की है। मैं कह रही हूँ इससे थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिही व बारिक वसल्लम। अल्लाह पाक से दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी हों सेहत और ईमान की अच्छी हालत में हों। लमसम व्लॉग में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद बाहर निकली थी, मेरे हस्बैंड कहने लगे, मैंने वैसे कहा कि मुझे ना एक अच्छी सी वॉच चाहिए, तो कहते हैं चलो मैं तुम्हें ले देता हूँ। तो वो लेने के लिए हम लोग सदर गए हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, शायद आप लोगों के काम ये वीडियो आए। अगर आप लोगों को कहीं वॉच रावलपिंडी में रहने वालों ने ख़रीदनी है तो मैं एक दो शॉप बता दूंगी, आप लोग उधर से जाके अच्छी कंपनी की जो भी आप वॉच ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीद सकते हैं। उसके बाद हम लोग सेव मार्ट गए थे, कुछ मैंने डाइट से रिलेटेड चीज़ें लेनी थी। आजकल मैं थोड़ा वेट कम करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आप अपना वेट कम करें, तो उससे रिलेटेड जो थोड़ी सी डाइट को चेंज करना पड़ रहा है, तो वो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो लेने के लिए गई थी। कुछ ड्राई फ्रूट लेने थे वो गई थी। तो ये सारी जो वीडियो है आप लोग आज देखेंगे। आप तो हमेशा की तरह आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इसी तरह हम लोग ये जो बैंक रोड है उस साइड पे पहुंच गए थे, गाड़ी पार्क करने के लिए हम लोग जगह ढूंढ रहे थे। संडे था तो संडे को बहुत ही रश होता है, हर साइड पर लोग खाने पीने के लिए भी आए होते हैं और शॉपिंग के लिए भी आए होते हैं, और ऊपर से मौसम भी बहुत अच्छा था। हम लोगों ने ये गखड़ प्लाजे के साथ ही हम लोगों ने पार्किंग हमें मिल गई थी, उधर गाड़ी पार्क की। फिर उसके ऑपोजिट साइड पे हम लोग आए थे निज़ाम वाच हाउस पे। हमारा ऑनलाइन जो घड़ी मंगाने का एक्सपीरियंस है वो पहले बहुत बुरा गुजर चुका है। हम लोगों ने घड़ी पसंद कर ली थी गूगल पे, लेकिन हम लोगों ने ऑर्डर नहीं की कि हम लोग जाके खुद लेके आएंगे। कैसियो की घड़ी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने कहा चले वही लेके आते हैं। हस्बैंड ने भी पहले कैसियो के लिए हुआ तो वो उसका बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छी है वो। तो इसी तरह हम लोग इस साइड पे आए थे, इनके पास सिर्फ कैसियो की 5 घड़ियाँ लेडीज़ पड़ी हुई थी। उनमें भी ये था कि मुझे वो वाला डायल नहीं मिला जो मैंने पसंद किया हुआ था। एक दो घड़ी मुझे और भी पसंद आई तो वो काफ़ी कॉस्टली थी, तो कीमत मैं आप लोगों को वैसे बता देती हूँ कि जो मुझे एक घड़ी पसंद आई थी वो 60000 की थी, लेकिन खैर हम लोगों ने इतनी महंगी घड़ी बिल्कुल भी नहीं लेनी थी। मेरी बस 10000 से नीचे नीचे रेंज थी, तो वो भी मेरी रेंज नहीं थी, मेरे हस्बैंड ही मुझे गिफ्ट कर रहे थे क्योंकि बर्थडे आने वाली है, तो उन्होंने कहा चले मैं आपको ना गिफ्ट ले देता हूँ। वैसे मैंने कहा था मैं खुद ले लेती हूँ, लेकिन खैर जब फ्री में मिल रही और गिफ्ट मिल रही हो तो छोड़ता है, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बाकी चीज़ें भी लेनी थी। इस तरह ये देखें, ये सामने ये भाई दिखा रहे हैं, लेकिन इनमें मुझे पसंद नहीं आई थी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ऑनलाइन जो घड़ी मंगाने का एक्सपीरियंस है वो हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। अच्छा, उधर हमें वो नहीं मिला डिज़ाइन, तो फिर इस रोड पर काफ़ी शॉप्स हैं वॉचेज़ की, तो मैंने क्या हम लोग फिर इसी के अपोजिट साइड पर आए हैं इस शॉप पर। इधर खैर बहुत ही वराइटी थी कैसियो की भी और बाकी वॉचेज़ की भी, आप लोग चाहें तो जा सकते हैं। ये बिल्कुल बोरजान जो शू हाउस है उसके बिल्कुल साथ है, साथ वाली शॉप है, बोरजान के साथ शॉप है। तो इधर हम लोग क्लॉक भी है और दूसरी ये सारी चीज़ें भी हैं। तो अब आप लोगों को साथ साथ मैं बताती हूँ। शुरू में आप लोगों ने देखा भी होगा, ये इसका डायल तो अच्छा लग रहा है लेकिन इसके नंबर्स नहीं है। हाँ, और ये है 5500 की, और ये दिखाएं ये कितने की है, ये 14000 की है। हाँ, ये 14000 की है। मैं कह रही हूँ इससे थोड़ा सा बड़ा डायल हो जाए, ये लाए भाई। हाँ, ये सेंटर वाली नहीं अच्छी, ये सेंटर वाली की क्या दिखाएं, क्लियर नहीं आ रही, अगर टैग दस 8500 दी। बस हमने इन दोनों घड़ियों में से डिसाइड करना था कि हमें कौन सी चाहिए। मुझे जी बड़े डायल वाली जो नंबर्स वाली, ये वाली मुझे पसंद थी, तो ये दोनों 8500 की हैं। तो आप देखते हैं इसमें से दोनों में से कौन सी लेते हैं, बाकी भी विज़िट कर लेते हैं कि कौन सी और किसी कंपनी की अगर इससे बड़ा डायल मिल जाता है या इससे अच्छी मिलती है तो वो ले लेते हैं। तो काफ़ी कंपनीज़ के वर्क करने के बाद मुझे बस वही जिस पर मेरा जो दिमाग था वो अटक गया था उसी को लिया, और ये देखें काफ़ी कंपनी
कंपनीज के क्लॉक और वॉचेस हैं। अब ये घड़ी हम लोगों ने बिल्कुल फाइनल कर ली थी। अभी देखें, ये मैंने पहन के चेक की थी तो मुझे लूज़ थी, फिर इसकी दो जो क्लिप्स हैं वो उतारी हैं और उसको फ़िट करने के लिए दोबारा वो भाई गए हैं। फिर देखते हैं पहन के वो पूरी आती है या नहीं आती। तो ये कह रहे हैं कि ये पुरानी प्राइसेस हैं, अभी जो न्यू इनकी प्राइसेस अप हुई हैं वो हम लोगों ने नहीं लगाई। वैसे ही अब 11,000 की हो गई है, लेकिन हमें 8,000 की इसलिए मिली कि ये पुरानी कीमतें इसके ऊपर लगी थी, इन्होंने नए टैग नहीं लगाए थे। आप लोग भी बताइएगा घड़ी कैसी थी। तो ये अभी बिल्कुल मुझे फ़िट आ गई थी, अब वो भाई पैक करके दे रहे हैं। पैक करने के बाद वो बिल बनाएंगे। तो जब बिल बना लिया तो फिर हस्बैंड ने कहा कि ये पहनने के लिए ली है, डब्बे में पैक करने के लिए नहीं ली। तो फिर अब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये घड़ी पहन ली थी, तो बहुत शुक्रिया मेरे हस्बैंड का भी, उन्होंने मुझे लेके दिया। तो उस ये पैक करने के बाद, बिल शिल बनाने के बाद हम लोग बाहर आए थे। बाहर आने के बाद अभी आजकल जो मेरी खाने की रूटीन है वो मैं दोबारा आप लोगों से कभी शेयर करूँगी। मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट की हुई है कि सुबह 7 से शाम 7 बजे तक जो है वो मैंने अपनी ईटिंग विंडो रखनी है, बाकी मेरी जो है वो फास्टिंग विंडो होगी जिसमें सिर्फ मैं पानी पी सकूँगी। वो पूरी डिटेल बताऊँगी और बताऊँगी कि मुझे उससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारा करने के बाद तो 7:30 हो चुके थे, आधा घंटा मेरा ऊपर हो चुका था, मैंने कुछ ना कुछ खा के अपना जो खाने का टाइम है उसको बंद करना था। तो फिर मुझे ऐसी चीज़ जिसमें वो ना हो, कैलोरीज ज़्यादा ना हो, तो इसलिए फिर मैंने ये जो जमीन वालों की चना चाट मंगाई थी वो भी हमने एक ही मंगाई और दोनों हस्बैंड वाइफ ने खाई थी। फिर आगे थे हम लोग यही पेशावर रोड पे सदर, ये सेव मार्ट से कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ली हैं, वो आप लोगों से स्टार्ट में मैंने शेयर की थी। हुसनैन के लिए साइकिल देखनी थी, लेकिन ये कि मुझे इधर पसंद नहीं आई थी, फिर मैंने कहा वो दूसरे बाज़ार से लूँगी जिधर से होलसेल प्राइसेस में थोड़ी रिजनेबल मिल जाती हैं। आप लोगों को पता है कि मार्ट्स में काफ़ी इस तरह की टॉयज़ और ये जो बच्चों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं और बर्तन होते हैं ये भी काफ़ी दूसरी मार्केट से एक्सपेंसिव होते हैं। तो वो ज़रूर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि मैं स्टैंड की साइकिल आम मार्केट से कितने की लेके आई और इधर कितने की थी, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। फिर हम लोग ने ओट्स लेने थे, ओट्स के बाद चिया सीड लेने थे। चिया सीड का भी मैं बताऊंगी कि वो मैं सुबह मॉर्निंग में पी रही हूँ और उससे ये मेरे जो चेंज है वो क्या आया, डाइट में क्या आया, मुझे उससे भूख लगती है या नहीं लगती। कुछ नट्स का टाइम होता है दिन में, वो मैंने फिर इधर से ड्राई फ्रूट लिए हैं। और बॉडी स्प्रे ख़त्म था, वाइप्स ख़त्म थी और हेयर कलर का ख़त्म था, लेकिन हेयर कलर मुझे इधर से वो वाला जो मेरा नंबर था वो नहीं मिला। बिल्कुल आने के बाद जब हम लोग बाहर आए हैं तो पहले था मौसम इस तरह का, लेकिन घुटन सी हुई थी, लेकिन फिर एकदम इतनी ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई, तो उसी ठंडी हवा के साथ हम लोग घर वापस आ गए। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों ने लाइक कर देना है। एंड तक देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।